और क्या हाल चाल है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आईफोन 15 की जो अनबॉक्सिंग है वो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं करा है तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में जो है मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ आईफोन 15 का आईफोन 14 के साथ में। स्पेसिफिकली बताऊँ तो यहाँ पर मैं जो है दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस आईफोन्स को गेमिंग के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है गेमिंग कंपैरिजन करने वाला हूँ दोनों स्मार्टफोन का। बाकी देखो यार, दोनों स्मार्टफोन जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, ऐसी कोई आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब आप फ्रंट से देखते हो जब भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें जो है यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो डायनेमिक आइलैंड वाली मिलती है आईफोन 15 में, जबकि जो आईफोन 14 है उसमें आपको प्रीवियस वही पुरानी वाली नॉच देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर हार्डवेयर का थोड़ा सा और डिफरेंस है। बेसिकली जहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ करा गया है आईफोन 15 में वो है एप्पल का A16 बायोनिक चिप, जबकि जो आईफोन 14 है उसमें एप्पल का A15 बायोनिक चिप यूज़ करा गया है यहाँ पर। बाकी और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे रिसेंट ऐप को यहाँ पर क्लियर कर दिया है और दोनों ही स्मार्टफोन को जो है मैंने यहाँ पर सेम वाईफाई से यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में जो है एक साथ यहाँ पर पबजी स्टार्ट करूँगा, BGMI स्टार्ट करूँगा और देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन में जो है ये पहले ओपन होता है। सो 1 2 3 तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर BGMI दोनों स्मार्टफोन में स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर जो है दोनों स्मार्टफोन में स्टार्ट हुआ, यानी कि आईफोन 15 और आईफोन 14 में बिल्कुल सेम टाइम पर स्टार्ट हुआ। बाकी यहाँ पर मैं ग्राफिक सेटिंग दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आईफोन 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आईफोन 15 में जो है आपको HDR और एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्राफिक्स को अल्ट्रा HDR करेंगे तो आपकी जो फ्रेम रेट है वो अल्ट्रा तक ही रहेगा। और आईफोन 14 में भी आपको एग्जैक्टली सेम ही सेटिंग मिलेंगी, यानी कि अगर आप जो है अल्ट्रा HDR यूज़ कर लेते हैं ग्राफिक्स तो आपको जो फ्रेम रेट है वो अल्ट्रा भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर यही अप्लाई कर दिया है आईफोन 14 और आईफोन 15 में। तो यहाँ पर हमारे जो ग्राफिक्स हैं वो अल्ट्रा HDR रहने वाले हैं और हमारा जो फ्रेम रेट है वो अल्ट्रा रहने वाला है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर गेम प्ले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है लॉबी में आ चुका हूँ दोनों स्मार्टफोन की, और टू बी ऑनेस्ट मैंने काफ़ी सारे गेम प्ले ऑलरेडी कर रखे हैं आईफोन 14 पर और मैंने आईफोन 15 पर भी काफ़ी सारा गेम प्ले करा आज, और मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला दोनों स्मार्टफोन में। लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर से ही परफॉर्मेंस है हर जगह दोनों स्मार्टफोन में, बट यहाँ पर आपको जो है थोड़ा डिस्प्ले यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर मिल जाएगा आईफोन 15 में। बेसिकली यहाँ पर जो नया वाला डायनेमिक आइलैंड है अगर उसके डिफरेंस को हटा दें तो और कोई यहाँ पर मेरे को ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर गेम प्ले है, जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है यहाँ पर। और सेम चीज़ यहाँ पर आपको एक्जैक्टली आईफोन 14 में भी देखने को मिलेगी, वही आपको बढ़िया क्वालिटी की ग्राफिक्स और वही आपको बढ़िया क्वालिटी का फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों ही स्मार्टफोन में जो है नीचे लैंड कर चुका हूँ और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था दोनों ही स्मार्टफोन में मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर से ग्राफिक्स और सिमिलर से फ्रेम रेट देखने को मिल रहे हैं। मेरे को कोई ना ही मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों स्मार्टफोन में, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी आईफोन 15 में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो डिफरेंस, सब कुछ जो स्मूथनेस है जो ग्राफिक्स हैं सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं आईफोन 14 और 15 के। स्लाइटली यहाँ पर आपको बस डिस्प्ले ही बेटर मिल रही है। सो अभी हम गेम प्ले से बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अपना कंक्लूजन बता देता हूँ, आईफोन 14 और आईफोन 15 में जो आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलेगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही मिलेगी, स्लाइटली आपको कहीं कहीं पर बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 14 है तो 15 पर अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको आईफोन 14 पर अच्छी डील मिले और आप स्पेसिफिकली गेमिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप उस डील के साथ बेसिकली जा सकते हो। तो यही मेरे को आपको दिखाना था। बाकी यहाँ पर आपको मॉडर्न जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी आईफोन 15 में वो यहाँ पर आपको एक नया एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब करना, एंड लास्टली थैंक फॉर वॉचिंग।